शाहिद बताएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना, कौन था? प्लीज शाहिद. सो यू वांट मी टू कन्फेस इज इट? आई थिंक श्रद्धा जो है वो एक उभरती कलाकार है, नई स्टार है और उनके अंदर एक चुलबुलापन और यूथफुलनेस है, तो उसको हमने एक्सपीरियंस किया इस फिल्म के सेट पे. इसके बारे में और बताएंगी आपको श्रद्धा गा के. आपके चुलबुलेपन के बारे में आप नहीं बताएंगे? मैं तो हैमलेट हूँ, टू बी और नॉट टू बी, मैं खोया हुआ हूँ. आई एम टू इन्वॉल्व विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ टू थिंक अबाउट चुलबुलापन. तो फाइनली विशाल जी, आप कौन कहेंगे कि नॉटिस्ट कौन था, श्रद्धा या शाहिद? आई थिंक ये आगे बढ़े क्या जवाब. शाहिद ऐसा सवाल पूछना कि सर फिर से आगे बढ़े नहीं बोले प्लीज. हाँ यकीनन, विशाल जी ने तो बोलते हैं आगे बढ़ो. शाहिद कितना चैलेंजिंग था ये रोल अब तक का आपकी आपके फिल्मी कैरियर में? बहुत से अलग अलग मुख्तलिफ किरदार आपने निभाए हैं. क्या कितना चैलेंजिंग रहा, और मतलब इस हद तक की फीस भी नहीं और कुछ भी नहीं लेकिन आपने रोल किया? आई होप विशाल जी टेक माय क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. कितना चैलेंजिंग है, डू यू एग्री ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैरियर का? बड़े सारे सवाल है आपके एक सवाल के अंदर. तो रेम्यूनरेशन तो रोल प्ले करने से पहले डिसाइड हो गई थी, उसका डिस्कशन हो चुका है. सर ने बोला आगे बढ़ो, जब उसका डिस्कशन चल रहा था तो वहां नहीं जाते है ना. दूसरा आपका सवाल था हाउ डिफिकल्ट द रोल इज, उसके बारे में मैंने बात की थी कि हैमलेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स टू प्ले एंड आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग टू प्ले इट. एंड यस, आई थॉट दैट प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल दैट आई हैव डन टिल डेट. बट जब भी विशाल सर कास्ट करते हैं तो एन एक्टर इज प्रिपेयर्ड के बैंड बजने वाली है और बहुत डिमांडिंग होने वाला है और रोज ऐसा लगेगा कि मैंने एक्टिंग क्यों की, तो ये तो होता है. सिद्धार्थ जी एक सवाल आपसे, श्वेता एबीपी न्यूज से. विशाल सर ने कहा अभी कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि फिल्म चले या ना चले, अब वो अपना काम आगे रखते हैं. यू टीवी को कितनी परवाह है? कश्मीर में शूटिंग की है, ठंडी में बॉक्स ऑफिस में कितनी गर्मी चाहिए? देखिए जब यूटीवी जैसे प्रोड्यूसर साथ में हो ना तो मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि वो करेक्ट. हेलो सर, हाय सखी हियर. सॉरी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग टू व्हाट यू सेड. आई थिंक विशाल सर ने कहा था फिल्म रिलीज होने के बाद ही डजंट लुक बैक टू सी वेदर इट वाज सक्सेसफुल और नॉट. फिल्म रिलीज होने से पहले एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट इट. इट वाज इन कॉन्टेक्ट. You're talking about the earlier question that he answered, right? So he said it's with regard to a film that is released and you've already moved on. Sorry. All right. This is a question to, hi sir, right in the middle, Sakhi from Headlines Today and Aaj Tak. This is a question to Shraddha, Tabu, and then, you know, subsequently to Vishal sir. So you've been dabbling with music since the start of your career. Now that Tabu and Shraddha are singing in the film, were there any sort of practice sessions with Rekha ji, with you? Did you train them in any particular way? No, actually, you know, they prepared it themselves. The Tabu ko jo gana gana tha, it's a difficult Kashmiri folk song. रोशे वालो बहुत ही फेमस गाना है. और ऐसे ही जो श्रद्धा को जो गाना गाना था तो वहाँ एक लोकल हमारे जो एक्सेंट के लिए जो थे मुजम्मिल, एनएसडी के एक्टर हैं, वो मुजम्मिल ने उन लोगों को तैयारी कराई. और गान सुर के साथ साथ जो प्रोनंसिएशन था वो भी उतना इम्पोर्टेंट था. और आप सुनेंगे तब्बू ने इतना खूबसूरत गाया है और श्रद्धा ने, और वो इतना इमोशनली फिल्म में लगता है कि हम लोग उसे डब भी नहीं कर रहे हैं, वो जो उन्होंने फिल्म में गाया वही रखा जा रहा है. और अ क्वेश्चन टू तबु एंड श्रद्धा, हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग अंडर दिस एंड यू नो प्रोबेबली वर्किंग विद विशाल सर ऑन दिस एस्पेक्ट ऑन द सिंगिंग? एक्चुअली आई हैड नो आईडिया दैट आई विल हैव टू सिंग इट एज पार्ट ऑफ द एल्बम आल्सो. सो आई वाज जस्ट ट्रेनिंग टू सिंग इट फॉर द सीन एंड आई वाज होपिंग दैट आई डोंट हिट अ रॉन्ग नोट व्हाइल वी वर फिल्मिंग, बिकॉज़ आल्सो इट्स